तो पाकिस्तान आर्मी इसी के अंदर छुप के गोला बारूद से भर गया था और पाकिस्तान आर्मी को पीछे हटना पड़ गया था इस तोप के कारण। और ये एरिया ना आपके फायरिंग के लिए यूज होता था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम है कारगिल और कारगिल से हमारा सफर है आज का द्रास का। तो कल रात हम आ गए थे कारगिल, कल शाम को आ गए थे कारगिल और शाम पे आने के बाद हम गुरुद्वारा में रुके हुए थे और बगल पे एक मस्जिद थी तो कल रात स्टे कर लिया था। तो अभी हमारा प्लान ऐसा है, सामान हमारा सारा पैक है और उसके बाद अपना यहाँ से अब निकलेंगे द्रास के लिए। द्रास से उसके बाद मेमोरियल में जो कारगिल मेमोरियल है वहाँ अपनी कुछ वीडियोस बनाएंगे, कुछ वहाँ के बारे में बताएंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे आपके श्रीनगर के रास्ते पे। एक कांड हो गया, किसी ने रोहित के ना गाड़ी से इसमें रोहित पहाड़ी लिखा था आगे से, तो पता नहीं किसी ने शैतानी करी क्या करी, इसके गाड़ी से ना रोहित पहाड़ी हटा दिया था, आधा आधा चिपका होता। तो फिर उसका ना हमने इसको पूरा निकाल के साफ कर दिया। तो देखोगे तो हल्का हल्का भी स्टिकर के दाग हैं। तो भाई ऐसे भी लोग रहते हैं यार, बताओ किसी की गाड़ी में नुकसान करते हैं। अच्छा मेरी गाड़ी में कोई नुकसान नहीं करा, मैंने सुबह उठ के देखा था एक बार कि मेरी गाड़ी में तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरी गाड़ी में कहीं से कहीं तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो भाई कुछ होते हैं शैतान, तो उनके चक्कर से ना परेशानी झेलनी पड़ती है। तो कोई नहीं, अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और मिलते हैं आपको आगे। तो अब निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं अपने रास्ते की तरफ। यहाँ से पाकिस्तान भी बस जा रहे हैं। पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं देखा ना, क्या देखा इधर? कहाँ पर है बताइए ना, तभी तो जाएंगे, जा सकते हैं। वहाँ जाएगा तो मैं लिख के दूंगा पाकिस्तान बैठ जाते, मार आना नहीं वापस ना। वहाँ की पुलिस से परमिशन लेना पड़ेगा यहाँ आने के लिए। तो अभी हम चेक पोस्ट पे रुके थे ना, तो उधर पुलिस वालों ने बोला कि एक बार तुम क्या कहते थे पास में 4-5 किलोमीटर पे आपका पाकिस्तान बॉर्डर है, तो जाके एक बार हो आओ देख आओ। और यहाँ जहाँ अगर कारगिल में आया और आपने वो बॉर्डर देखा तो क्या देखा फिर? लेकिन हमने बोला यार बॉर्डर तो हमने पहले भी देख ही रखा है, कारगिल का बॉर्डर आगे आके अपने आगे देखना ही है, तो यहाँ टाइम बर्बाद करने का फायदा क्या है? जब सीज फायर हो 2 दिन का, हाँ तब मतलब 2 दिन यहाँ से गोली नहीं चली, वहाँ से गोली नहीं। जब वो 2 दिन पीछे चले गए ना, अच्छा तो 2 फौजी जो बिजली का खंभा है ना, हाँ एक ऑफिसर एक उनका सिपाही, तो ये बिजली का खंभा यहाँ तक पूरी आर्मी थी। हाँ, वो जख्मी पाकिस्तान आर्मी, हाँ, वो जख्मी था ना, अच्छा नहीं चल पाए, वो अरेस्ट हो गए। तो उनको भी सीज फायर के बाद इधर से पीछे पूरा भगाया ना, इधर से पूरा पीछे गए। हाँ सीज फायर से मतलब 2 दिन लड़ाई नहीं चली, वो पीछे हट गए। अच्छा, पहले पता चला था ना यहाँ घुसपैठी है, वो जो ऊपर टॉप दिख रहा है ना, वो वाला टॉप जो ये वाला टॉप है, ये वाला टॉप, हाँ ये से, हाँ इससे हमारा वो क्या नाम था कैप्टन सौरभ का, हाँ 13 जन के साथ गए थे इस टॉप पे। हाँ ये पूरी की पूरी मतलब उसकी फौज जो थी ना साथ में, वो सारे कैप्चर किए पाकिस्तानी सैनिक ने। अच्छा, फिर उनकी लाशें 42 दिन बाद मिली। हमारे इंडियन आर्मी की जो लाशें वो लेके चले गए थे अपने साथ 42 दिन बाद, लाशें जो उसके बाद दूसरी टीम गई वो भी वापस नहीं आई। जो तीसरी टीम आ गई तब जाके पता चला नहीं ये तो अब पाकिस्तानी सेना है, उससे पहले ये था मतलब ये घुसपैठी है। जब तीसरी टीम भी वापस नहीं आई तब जाके उसके बाद फिर वार आगे को चालू हुआ। हाँ फिर इन्हें खुले हम बोला नहीं ये तो वो वार है, फ्रंट वार है ये घुसपैठी नहीं है। तो ये जो सामने आप पूरा पहाड़ देख रहे हो ना, यहाँ तक पूरी पाकिस्तान आर्मी आ गई थी और उसके बाद जो वार हुआ ना वो कुछ इस तरीके से हुआ कि इंडियन आर्मी को आगे फ्रंट में हमला करना पड़ा। बिजली के खंभे देख रहे हो, यहाँ तक पूरी की पूरी आपकी पाकिस्तान आर्मी घुस गई थी और जो मेरे पीछे ना वहाँ से स्टार्ट हुआ था वार और आपका इस एरिया तक पूरा तक सिर्फ पाकिस्तान आर्मी थी। तो सोचो कितना भयंकर मंजर होगा कि पाकिस्तान आर्मी द्रास के मार्केट में घूम रही थी, पूरे यहाँ तक पाकिस्तान आर्मी ने कैप्चर कर लिया था। तो सोचो किस तरह हमला क्या होगा इंडियन आर्मी ने और उनको पीछे भगाया होगा। तो अंदर चलते हैं और मेमोरियल में देखते हैं क्या क्या अंदर है।
करगिल युद्ध में शहीद हुए जो ब्रेव हार्ट्स हैं उनका यहाँ पर स्टैचूस बनकर रखा है। और MiG-21 ट्रोलिंग की लड़ाई के दौरान स्क्वाड्रन लीडर अजयोजन इस्तेमाल किया था, एक कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से और फायरिंग की वजह से क्रैशलैंड पाकिस्तान की तरफ हो गया था। उसी स्क्वाड्रन का दूसरा MiG-21 यहाँ पर लेट करके रखा है। और विजयपथ का दाहिने ओर भाई शुरू में दो पैक हाउसर इसको 1971 की लड़ाई में इस्तेमाल किए थे, मतलब इसको ज्यादा इस्तेमाल हुआ था 1971 की लड़ाई में, थोड़ा ज्यादा यूजफुल भी हुआ था, इसके वजह से 99 में भी इसको शामिल किया गया। इसको पूरी तरह डिसमाउंट करके फिर से पहाड़ियों में जाके असेंबल करके लड़ाई में शामिल कर सकता है। थोड़ा लाइट वेट है, कैरी करना आसान है, इसका अलग अलग हिस्सों में चॉपर में भी कैरी कर सकता है। आपका पीछे और थोड़ा भाई 150 mm का बफर्स है, इसका रेंज है लगभग 40 किलोमीटर। इसको पूरे कारगिल युद्ध में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब 2.5 लाख गोलों तक इससे फायरिंग किया हुआ है। और गन हिल भी एक 0.5140 एक फीचर में बताया था ना, उसका भी रिसेंटली रिनेम किया गया गन हिल करके, क्योंकि यहाँ पर 100 बफर्स को इकट्ठा रख के यहाँ पर ट्रोलिंग और 0.5140 के ऊपर लगातार फायरिंग में शामिल किया गया, इसके वजह से यहाँ पर गन हिल करके उसका नाम दिया हुआ। और आपका पूरा भाई वीरभूमि 1947 से लेकर अभी तक इस लोकेशन के अंदर जितने भी जवान शहीद हुए ये नॉन ऑफ कैजुअलिटी है, बैटल कैजुअलिटी का नहीं है, कारगिल युद्ध के अलावा जो पहाड़ियों में स्लिप होकर विंटर के टाइम पर नीचे गिर के जो कैजुअलिटी हो जाता है, नहीं तो पुराना माइंस वगैरह ब्लास्ट होकर, नहीं तो अवलांच की वजह से जो कैजुअलिटी वगैरह हो जाता है, उनका वहाँ पर स्मारक बना कर रखा है। टोटल 391 स्मारक है। आखिर में जो है वो जोजिल पास का एक मेमोरियल है, मतलब जोजिल डे विंटर के टाइम पर वहाँ पर मनाना मुश्किल है, तो वहाँ पर बना के रखा है जोजिल डे वगैरह, इधर ही सेलिब्रेशन है। और आपका सामने जो ज्योति जल रहा है अमर जवान ज्योति के नाम से जाना जाता है, तब से वॉर मेमोरियल बने हैं अमर जवान ज्योति प्रज्वलित है। अमर जवान ज्योति के पीछे एक पीतल का बोर्ड है, अभी बारिश की वजह से इसको बंद करके रखा है, जिसने कारगिल युद्ध में जितने भी जवान शहीद हुए उनका नाम वहाँ पर अंकित कर रखा है। टोटल 33 officers, 23 GCO, 501 अदर रैंक और 2 civilians। और उसके पीछे 19 flag होस्ट किया गया है, वो 8 Mountain Dew के अंदर अभी जितने भी अभी प्रेजेंट बटालियन सर्विस कर रहे हैं उस सारे बटालियन को फ्लैग को वहाँ पर होस्ट करके रखा है। नेशनल फ्लैग 2012 में फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा यहाँ पर प्रेजेंट किया गया था, इसको ऊंचाई 100 feet और मेजरमेंट है 35x27। उस तरफ ये 6 flag है ड्यू कोर कमांड का 3, इस तरफ इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स का, बीच में स्टैचू बना के रखा है। और टाइगर हिल की लड़ाई के दौरान एक विक्ट्री का एक फोटोग्राफ खींचा गया था, वो एक एपिक फोटो था, उसको मद्देनजर रखते हुए वहाँ पर एक स्टैचू बना के रखा है। हट ऑफ रिमेम्बरेंस जिसके अंदर पाकिस्तानी सेना के कैप्चर्ड वेपन्स, कैप्चर फ्लैग और कारगिल युद्ध में जिन जिन बटालियन ने हिस्सा लिया था उन सारे बटालियन की हिस्ट्री को वहाँ पर डिस्प्ले करके रखा है, और उस टाइम का फोटोग्राफी अंदर मौजूद है नीचे। और टाइगर हिल और 0.47 mm में कैप्चर किया हुआ 2 bunkers नीचे लगा के रखे हैं, वहाँ पर देख सकते हैं आप। और यहाँ पर 10 मिनट का डॉक्यूमेंट्री चलेगा और पूरा कारगिल युद्ध की हिस्ट्री वहाँ पर मतलब एक डॉक्यूमेंट्री में दिया हुआ, वो अमिताभ बच्चन का बैकग्राउंड। थैंक यू सर। तो मेरे पीछे आपका हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस है, मतलब इसका ये कि इसके अंदर ना आपको बहुत सारी डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी, हमारे किस किस की हेल्प से हमने ये वॉर जीता था उसके डिटेल सारी आपको इस वाले हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस के अंदर मिल जाएगी। और इसके अंदर ना आपको पाकिस्तान आर्मी के बहुत सारे हथियार भी मिल जाएंगे, तो अलग अलग मिसाइल्स मिल जाएंगी, गन्स मिल जाएंगे, AK-47, G-51 और बहुत सारे उनके लेटर्स और बहुत सारे उनकी करेंसी IDs, मतलब सारी डिटेल आपको इसके अंदर मिल जाती। तो हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस के अंदर ना आपको ना बहुत सारे हमारे इंडियन आर्मी के जो जवान थे ना उनके लेटर्स वगैरह मिल जाएंगे। तो कुछ लेटर हमने पढ़े थे, जैसे विक्रम बत्ता जी का पढ़ा था और कैप्टन कालिया जी, उनके लेटर से जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये मैं उनका आखिरी लेटर था जिसमें उन्होंने बोला था कि मैं बहुत टाइम बाद आपको लेटर लिख रहा हूँ मम्मी पापा, तो मम्मी पापा को अपने लेटर लिखते हैं। और बहुत सारी अंदर की बातें थी जो आप उधर जाके अंदर जाके पढ़ सकते हैं। और मेरे ही ना इधर आपके साइड में ये है जो तोप जिसने पाकिस्तानी आर्मी के छक्के छुड़ा दिए थे और इसका नाम रख दिया था गन हिल, एक्चुअली इसका नाम कुछ और है। तो इसकी कहानी ये है कि 100 तोप इस रेंज में सारी लगा दी थी और उसके बाद ना लगातार 2.5 लाख फायर मारे थे सामने वाली पहाड़ पे, जिसके बाद ये ना एकदम गोला बारूद से भर गया था और पाकिस्तान आर्मी को पीछे हटना पड़ गया था इस तोप के कारण, तब इस तोप का नाम चेंज करके गन हिल रख दिया। तो कुछ इस तरीके से ये दिखता है जो तोप है गन हिल। तो इस युद्ध में ना दोनों तरफ से बहुत सारे जवानों की जाने गई थी, जिसमें से पाकिस्तान आर्मी के लगभग 737 जवान शहीद हुए थे, यानी मारे गए थे इस युद्ध में। और तो जब हम अंदर गए थे ना तो अंदर हमको कुछ फोटोग्राफ दिखे थे जिसमें आर्मी के पाकिस्तान आर्मी के बंकर्स वगैरह दिखे थे, तो वो सारे बंकर्स जो है ना वो इधर रखे गए और इस तरीके से यहाँ बंकर को रखे। तो मैं आपको सामने से एक बार बंकर जाके दिखाता हूँ कि वहाँ बंकर किस टाइप के थे।
तो मैं इतने साल आर्मी में रहना, लेकिन मैंने कभी अपनी लाइफ में बंकर वगैरह नहीं देखे, लेकिन आज मौका मिल रहा है सामने से बंकर देखना। और ये पूरा लोहे का शेल है, और ये भी पूरा लोहे का शेल है। देखिए इसमें आप देखोगे ना ध्यान से, तो ये पूरे तरह से कवर है, ऊपर से पूरा कवर है। और ये एरिया ना आपके फायरिंग के लिए यूज़ होता था, यहाँ से फायरिंग करने के लिए, चारों तरफ से फायरिंग करने के लिए इसका यूज़ होता था। और ऐसा ही कुछ यहाँ भी है, इस वाले में भी आपको दिखेगा। तो ये छेद जो बंद करे ना, इसमें से फायरिंग वगैरह करते थे। और ये जैसे लेट के फायरिंग करनी है ना, तो इस टाइप के फायरिंग करने के लिए ये छेद का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये बंकर्स ना, यही बंकर जो थे आपके हमारे कारगिल युद्ध में यूज कर रहे थे पाकिस्तानी आर्मी। तो आप ये छेद देख रहे हो, ये सारे छेद आपके जब इंडियन आर्मी हमला कर रही थी पाकिस्तान आर्मी पे, तो वो इस बंकर के अंदर छुपे हुए थे। तो जब हमारी इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी पे गोले बरसा रही थी और फायर कर रही थी, तो इसी के अंदर छुप के उन्होंने जान बचाई थी। लेकिन लास्ट में ना इंडियन आर्मी ने ये भी कैप्चर कर लिया था और इसको अपने साथ यहाँ नीचे लेके आई थी। ये एक्चुअली कैप्चर करा था इन्होंने टाइगर हिल पे, और टाइगर हिल पे इन्होंने जब फायरिंग की थी ना, तब ये वहाँ से कैप्चर करके इसको नीचे लाए। और ऐसा ही एक और आपको बंकर मिलेगा क्योंकि मेरे इस हाथ में, तो ये वाला जो बंकर है ना, ये मिला था आपके बत्रा हिल में। बत्रा हिल आपको पता ही होगा, जब विक्रम बत्रा जी ने कैप्चर कराया था, यानी जहाँ पे वो शहीद हुए थे, जहाँ उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को मारा था, वहाँ ये बंकर मिला था। तो ये दो बंकर थे अलग अलग टॉप्स में मिले। तो इसी तरह के कुछ बंकर थे जो इंडियन आर्मी ने कैप्चर करे थे उस युद्ध के समय, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तानी आर्मी से। इसको यहाँ पे उल्टा लटकाया ताकि दिखा सकें कि हमने इनका बंकर कैप्चर करा इस युद्ध के अंदर। तो अभी ना 10 मिनट की एक मूवी थी जो यहाँ दिखाते हैं, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस तरीके से हमारे इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को हराया। 10 मिनट की मूवी में पूरी कारगिल युद्ध की कहानी को बताते हैं, दर्शाते हैं, और किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी इंडियन टेरिटरीज के अंदर घुसती है और इंडियन आर्मी पर हमला करती है उसके बारे में बताती है, और कितने सैनिक कैसे शहीद हुए, कौन मेजर था, कौन क्या था, वो सारी डिटेल आपको एक 10 मिनट की मूवी के अंदर सारी डिटेल देते हैं। और आपको अगर इसके बारे में पूरा देखना है ना, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम आपका पड़ता है लेह में, और वो ना एक ओपन स्पेस में बनाया गया है आपका वॉर के ऊपर, कारगिल वॉर कैसे हुआ था, तो वो देखना है ना आपको। तो उसके लिए फील करने के लिए आपको लेके वॉर मेमोरियल में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। यहाँ पर छोटी स्टोरी हुई है, लेकिन आपके ना रोंगटे खड़े कर देगी। और कुछ आपको आगे दिलचस्प यहाँ की चीज़ें दिखाते हैं, हमारे वॉर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी उस तरफ है, वो भी दिखाते हैं। तो मैं अभी वीरभूमि में हूँ, और वीरभूमि इस जगह का नाम इसलिए रखा गया ना, जितने सैनिक यहाँ पे कैजुअल्टी मतलब शहीद होते हैं, तो उनके लिए जगह बना रखी है इन द मेमोरी ऑफ ऑल हमारे जवान सेना के लिए ये बनाया गया है। और जितने सैनिक यहाँ कैजुअल्टी से शहीद होते हैं अलग अलग जगह पर, उनके स्मारक दिख जाएंगे, उन पर उनका नाम लिखा होगा, और उनके कब से कब तक वो सर्विस दिया हमारे इंडियन आर्मी में। तो ये ना एक्चुअली आप अगर आप सोचोगे जो वॉर पे शहीद हुए थे उनके मेमोरीज में होगा, तो उनके नहीं है ये। एक्चुअली जो कैजुअल्टी होती है, कैजुअल्टी से जो डेथ होती है हमारे इंडियन आर्मी की, वीर गति प्राप्त करते हैं, उनके लिए ये बनाया गया है। तो ऐसा कुछ था यहाँ का इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ सारी डिटेल मैंने आपको बता दिए। तो अब यहाँ से निकलते हैं बाहर को, और बाहर जाके कुछ करते हैं खाना पीना, क्योंकि अभी तक खाना पीना हमने करा नहीं था। तो अभी हम बाहर आ गए हैं, और बाहर आने के बाद अभी हमारा यहाँ थोड़ा सा कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हैं। और अरे आप बाइकर होना, और बाइकर होने के बाद और आपको इस तरह की बाइक दिख जाए ना, तो बाइक क्या बात ही कुछ और है। तो ये मेरी फेवरेट बाइक मेरे सामने है, GS 1250। आज ना लाइफ में पहली बार इतनी सारी GS एक साथ पहली बार देखी है, और साथ में टाइगर भी है, ट्रम्प टाइगर भी आगे दिख रही है। थोड़ा सा रात का समय था, मतलब 6-7 बज गए थे, तो हम एक बार मैं अंदर को आया था, तो भाई मुझे ना एक अमर ज्योति दिखी जलते हुए, यानी दिन में भी जलती थी लेकिन रात में जो जल रही है ना वो बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये ना आपके जैसे हमारे इंडिया गेट में 24 घंटे जलते रहती ना, वैसे ये यहाँ 24 घंटे जलते रहती है। तो भाई आप यहाँ से ना बाहर निकलते हैं और अपने कहीं कैंप साइट देखते हैं, वहाँ कैंप लगाते हैं।